कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ मूवी देखने। आज हमारा प्लान है आउटिंग का। सो आज आपको पूरा आउटिंग ब्लॉग मिलेगा मेरा इंशाल्लाह। सो आपको देखना होगा पूरा कंप्लीट ब्लॉग। और मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं पहन रही हूँ, सब अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैंने लेंस लगा लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। मैं ये वाले कपड़े पहन रही हूँ और ये वाले कपड़े जो हैं, अगर किसी ने देखे हों तो मैंने ये ईद के सेकंड डे पहने थे और वह थोड़ी देर के लिए पहने थे। तो ये ज़रा पॉकेट वाला है और ये इस टाइप का इसका ट्राउज़र है। सो अभी मैं ये वाले पहन के जा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और जीन्स वगैरह वेयर करने का कोई मूड नहीं है। सो इसके साथ मैंने कुछ डिफरेंट करा है। मैं यहाँ इसके साथ ना, मेरे पास वैसे खुद से हैं इसके साथ, बिल्कुल न्यू वाइट कलर के भी हैं और इस कलर पिंक कलर के भी हैं, बट मैं जॉगर्स पहनने लगी हूँ। तो जॉगर्स पहन रही हूँ मैं। तो अब बस अब मैं तैयार होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। अच्छा, एक मिनट, एक चीज़ दिखानी थी मुझे आपको। सो फ्रेंड्स, ये वाले जो झुमके थे ना, वो मैंने ईद वाले दिन पहने थे, ठीक है। तो ये वाले जो झुमके हैं, ये मैं नहीं पहन रही क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाएंगे। और जो मैंने इसके साथ इस तरह के लिए थे ना ईद पर, सीधा ही नहीं हो रहा, ये देखिए, ये वाले पहनूंगी मैं। तो चलें फिर, मैं अभी आपको तैयार होकर मिलती हूँ। वेलकम बैक टू हतीजा व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं ऑन द वे हूँ और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। सो मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुकी थी और हम ऑन द वे थे, तो तभी मैंने मेरी ब्लॉग की वीडियो स्टार्ट करी शूट करना। सो फ्रेंड्स, आज जैसे आप लोग को पता है कि कराची का सुबह से मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और बिल्कुल पिकनिक वाला वेदर था। और जब हम मॉर्निंग हुई हम उठे तो हमें लगा कि यार आज का दिन बड़ा अच्छा था और बड़ा ही खूबसूरत क्लाउडी वेदर था। सो लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो फिर धूप और गर्मी होती जाती है, कराची में तो बहुत होती है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं न्यूप्लेक्स सेल्मा और आप इस सेल्मा में हम लोग पहले भी आ चुके हैं, इधर ही हम काफ़ी दफ़ा मूवीज़ देखते हैं। यहाँ के सिनेमास बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, जिस सिनेमा में हम जा रहे हैं वो मिनी है और बहुत अच्छा, जहाँ जो मूवी हमें देखनी है ना फ्रेंड्स, वो वहाँ लगी है। सो अभी वेटिंग पर हैं हम लोग क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। सो अभी पॉपकॉर्न्स वगैरह लिए जा रहे हैं और अभी अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मूवी देखने वाली हूँ चक्कर, और ये मूवी है बहुत अच्छी, सुना है मैंने इसकी ट्रीज़र और वीडियोस देखी तो मुझे अच्छी लगी। काफ़ी ज़्यादा इधर मूवीज़ लगी हुई हैं लेकिन हमें वो ही अच्छी लगी थी। तो चलते हैं। सारे पैसे, अरे वो जाली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा था ना। फ्रेंड्स, ये मूवी यासिन नवाज की है और आप लोग को पता है कि अच्छी होती है उनकी मूवीज़, कॉमेडी और फन से भरी। सो लेकिन ये वाली मूवी जो अभी हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, पर मुझे सो फ्रेंड्स, हमने मूवी देख ली है और मूवी बहुत ही अच्छी है और काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है इसकी। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी जाइए और देखकर आए सिनेमास में, बहुत अच्छी मूवी लगी हुई चक्कर और हमें काफ़ी पसंद आई। आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जा सकते हैं और देखकर आएँ क्योंकि ये मूवी काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक मर्डर केस को सॉल्व किया जाता है। जो ट्विंस बहनें होती हैं, एक ट्विंस बहन को मर्डर कर दिया जाता है और वो दोनों ट्विंस बहनें नीलम मुनीर होती हैं, और किस तरह से कौन होता है वो जिससे मर्डर किया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चक्कर आपको आ जाएंगे देख के। एंड तक आपको नहीं पता चलेगा कि विलन कौन है और हीरो कौन है। सो आपको ज़रूर जाना है सिनेमास में देखने के लिए। तो मैं अभी आई हूँ डिनर करने। तो पहले तो मैं आई थी महाराजा जो रेस्टोरेंट है, लेकिन उसी के बराबर में हम चले गए।
सो फ्रेंड्स, हम आए हैं इब्ने बतूता रेस्टोरेंट, क्योंकि वो जो महाराजा रेस्टोरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाउसफुल था, सीट्स फुल थी और हमें 45 मिनट्स का वेट करना था, तो हम लोग इसके बराबर वाले रेस्टोरेंट में आए। ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत बेस्ट है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और व्यू, और आप लोग को नाइट वार्म लाइट्स बिल्कुल थिम है तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग को डिनर करें, आप आके मज़ा आ जाए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे घर के भी बहुत करीब है और हम लोग ईजिली आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत यमी फूड है यहाँ का और बहुत अच्छी यहाँ पर सर्विसेज है। सो आप आइए, यहाँ पर विज़िट कीजिए ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो जब तक मैं करती हूँ डिनर और फिर आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा इब्ने बतूता रेस्टोरेंट कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा है, और ये यहाँ कहीं और नहीं सिर्फ कराची में है। सो आप लोग कभी कराची आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आके डिनर करें। तो मैं चलती हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का मेरा आउटिंग व्लॉग कैसा लगा। तो मिलूँगी एक जल्द कम्प्लीट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में शामिल रखें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।